अब हम इसको स्टाइलिंग देते हैं। स्टाइलिंग कैसे देंगे? सबसे पहले इसको थोड़ी पेडिंग देते हैं ताकि ये जो कंटेंट है थोड़ा इसके मेन्यू के अंदर आ जाए। तो चलते हैं मेन्यू की स्टाइलिंग की तरफ। यहाँ पर हमने मेन्यू की स्टाइलिंग दी है। यहाँ पर हम लिखेंगे हेडिंग 20 पिक्सल्स। इससे क्या होगा कि ये थोड़े अंदर की तरफ आ जाएंगे। अब ये जो क्लोज आइकन है इसको थोड़ी मार्जिन देते हैं ताकि ये टॉप से थोड़ा नीचे हो, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं क्लोज आइकन की तरफ और देखते हैं। इसको हमने क्लास दी है तो इसको हमने क्लास नहीं दी। ठीक है, तो इसको हम क्लास देते हैं ताकि इसको हम एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोज आइकन और इसी के थ्रू इसको हम टारगेट करेंगे ऊपर। डॉट क्लोज आइकन और इसको हम देंगे मार्जिन टॉप 40 पिक्सल्स। अब आप देखेंगे ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ गया। अब इसके बाद हमारे पास था डिवाइडर। ठीक है, वो हमने नीचे लाइन दी थी, उसको हमने डिवाइडर की क्लास दी थी, तो वो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडर। इसको हम सिंपल बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड और वेरिएबल यूज़ करेंगे ग्रे का। ठीक है, जो हमारे पास सेव था कलर, और इसके बॉर्डर आ गया। ठीक है, इसको हम मार्जिन देंगे ताकि ये नीचे वाली चीज़ें थोड़ी नीचे हो जाएँ, ऊपर वाली चीज़ थोड़ी ऊपर हो जाए। तो यहाँ पर लिखते हैं मार्जिन 40 पिक्सल टॉप और बॉटम की हो गई है और 0 पिक्सल लेफ्ट राइट। तो ये थोड़े नीचे आ गए अभी। अब क्या करते हैं, ये बटन्स को स्टाइलिंग करते हैं। पहले चलते हैं बटन की तरफ कि हमने बटन्स को वही स्टाइलिंग दी है। ठीक है, इसको हम थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं डॉक्यूमेंट को। ये हमारे बटन्स हैं और इसको हम एक्सेस करते हैं पहले ऊपर। यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट मेन्यू और बटन, मतलब इंडिविजुअल जो बटन्स हैं उन दोनों को हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे विड्थ 100% ताकि ये बटन की जो विड्थ है वो 100% हो जाए पहले। तो आप देखेंगे कि ये 100% हो गए। ये लेफ्ट से एंड को शायद मार्जिन है, ये हम ख़त्म करते हैं। मार्जिन टॉप और बॉटम की देंगे पहले मार्जिन 5 पिक्सल और लेफ्ट और राइट की हम 0 कर देंगे। तो अभी ये टॉप बॉटम से इनकी मार्जिन आ गई और लेफ्ट राइट से ये इनकी 0 हो गई। ठीक है, और फॉन्ट साइज़ इनकी छोटी करेंगे क्योंकि डिज़ाइन में हमारे पास फॉन्ट साइज़ छोटी थी 18 पिक्सल्स, तो ये थोड़ी छोटी हो गई। उसके बाद अब हम फाइनल जो स्टाइलिंग करेंगे वो इनकी करेंगे लिस्ट के जो आइटम्स हैं उसकी। ठीक है, तो हम इसको पहले ट्रिगर करते हैं मेन्यू, उसके अंदर UL, उसकी पहले हम मार्जिन टॉप देते हैं 40 पिक्सल की ताकि ये दूर हो जाए थोड़ा, ये नीचे आ गया। उसके अलावा इसके जो टेक्स्ट है उसको अलाइन सेंटर करते हैं, तो ये सारे सेंटर्ड हो गए। ठीक है, अब इनकी जो ये डॉट्स हैं ये हम हटाते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि डॉट मेन्यू और LI को ट्रिगर करके, और आप लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप, इसको आप कर देंगे नन। ठीक है, यह अभी डिस्क था, ये नन हो गया। ठीक है, इसको भी शायद मार्जिन है तो वो भी ख़त्म करनी होगी। मार्जिन टॉप देंगे पहले इसको 40 पिक्सल्स ताकि ये दूर दूर हो जाएं थोड़े। अब जो इसके अंदर लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टेक्स्ट पड़े हैं उनको स्टाइल करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट जो है वो एंकर टेक्स्ट के अंदर है। डॉट मेन्यू और LI के अंदर जो A पड़े हैं उनको हम सबसे पहले कलर देते हैं जो कि है प्राइमरी कलर। सारे प्राइमरी कलर के हो गए। मार्जिन इसकी ख़त्म करते हैं, मार्जिन 0, तो ये मार्जिन ख़त्म हो गई और ये सेंटर्ड हो गए। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं, ये तो ऑलरेडी नन थी, इसको हम नहीं लगाते फिर। और
और इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी कम कर लेते हैं, फॉन्ट साइज 18 pixels। तो इनकी फॉन्ट साइज भी हमने कम कर ली। तो अभी जो है हमारा मेन्यू की जो स्टाइलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली इस जैसा दिख रहा है, ठीक है। इसकी आप भले मार्जिन थोड़ी बढ़ा लें, मार्जिन टॉप आप 50 कर लें, तो ये और दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो ये स्टाइलिंग इसकी कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ट्रिगर है ये हम लगाएंगे इसमें, ताकि हम यहाँ पर जब क्लिक करें तो ये हट जाए मेन्यू, और जब फिर मेन्यू के आइकन पर क्लिक करें तो ये अवेलेबल हो गए, ठीक है। तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी यूज़ करनी होगी। तो अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ, जो कि इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, ताकि ये टॉगल काम कर सके। तो चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ।